दिसंबर की ठंड है और सुबह के 5 बज चुके हैं, पर मैं उठूंगा क्योंकि मुझे ऋषिकेश जाना है और ये उड़ता तीर मैंने खुद लिया है। तो मैं उठूंगा, चाहे मुझे कितनी ही नींद क्यों ना आ रही हो, चाहे ये रजाई कितनी ही कम्फी क्यों ना हो गई हो, लेकिन मैं उठूंगा क्योंकि ये चीज मैंने खुद ली है। जी हाँ, तो मैं उठ चुका हूँ अपने बिस्तर से और अब मुझे कोई नहीं रोक सकता ऋषिकेश जाने से। सिंपल सी कहानी है, मैं आप लोगों को ब्रीफ दे देता हूँ। देखो क्या सीन था कि मैं, रौनक और आकाश, हम तीनों ने सोचा था कि हम लोग जाएंगे, लेकिन फिर से गोलीबाजों ने मुझे गोली दे दी है। ये लोग कैंसिल कर दिया, उन्होंने प्लान कैंसिल कर दिया, कहते हैं कि भाई हम नहीं जा रहे, तुझे जाना है तू जा। और मैं एक अपॉर्चुनिस्टिक बंदा, मैं इस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से नहीं जाने दूंगा। मैंने कहा तुम दोनों को जाना, तुम दोनों जाओ भाड़ में, क्योंकि मैं तो भैया सोलो ट्रैवल करूंगा और मुझे कोई नहीं रोक सकता इस चीज में, कोई नहीं रोक सकता मेरे दोस्त, ये ठंड भी नहीं रोक सकती भले ही मेरी गर्मी पड़ गई हो। और ये व्लॉग बहुत ही मस्त होने वाला है क्योंकि ये सोलो व्लॉग है, सोलो व्लॉग द डीप बैंको। गाइस कम ऑन, हल्ला करो। आ गए हैं अपने ऋषिकेश के व्लॉग के सबसे पहले स्टॉप में, स्टॉप नंबर 1, जिसमें हम लोग करने वाले हैं बहुत ही मस्त अमेजिंग सी एक चीज जिसे मैं कहूंगा गन्ने का जूस रिव्यू। एनीवेज, ये हमारा गन्ने का जूस की दुकान, यहाँ पे हम सिर्फ गन्ने का जूस पिएंगे। और भैया ने एक गिलास गन्ने का जूस भी निकाल दिया। चीयर्स। गन्ना जूस रिव्यू by Divenco. Hello ladies and gentlemen. ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ गन्ने का जूस है, यहाँ पे दुकान है, बढ़िया फूल भी हैं, बढ़िया खुली दुकान है, चाय भी मिलती है, पौधे भी हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, फ्रेश गन्ने, खेत भी इनका, दुकान भी इनकी, प्लास्टिक ग्लास भी इनका, जूस भी इनका। ओह मज़ा आ गया गाइज। ऋषिकेश आओ, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो, गन्ने का जूस जरूर पियो, क्योंकि यहाँ पे फ्रेश मिलेगा। क्या है ये, क्या है पंजाब व्लॉग्स? हमने ट्रक में धूम मचाई, सोलो गए स्ट्रेंजर्स के साथ, क्या मैं मजा नहीं आया, बस बोर हो गया। नींद आ रही है, मंकी मैजिक, क्या है ये सब? अब मैं आ गया, डीवेन को आ गया, ब्लॉग होगा, सोलो ट्रिप, पूरी सोलो ट्रिप, फुल ऑन मैडनेस होगी, क्रेजीनेस होगी, एक्साइटमेंट से भरा हुआ होगा, तुम लोगों मजा आने वाला है दोस्तों, बहुत मजे आने वाले हैं अभी। तो दोस्तों अब आ गए हम लोग अपने सेकंड स्टॉप पे, स्टॉप नंबर 2। नहीं नहीं, अपनी फिजिकल नीड के लिए नहीं, कि मतलब हमें फूड वूड खाना है, अपना पेट भरना नहीं, हम अपनी मेंटल नीड के लिए रुके। ये डीवेंको का जो ब्लॉग है, ये जो होने वाला है, ये पूरा का पूरा नेचर बेस्ड होने वाला है, बहुत ज्यादा हरियाली है, मजा आ गया। हमारा सेकंड स्टॉप वर्थवाइल है, पीछे मेरे पूरे खेत ही खेत है, ये शायद गन्ने का खेत है या फिर मुझे नहीं पता किस चीज का खेत है, पर खेत है। और सामने मेरे पेड़ हैं, ट्रैफिक है, और उसके पार करोगे तो क्या है, एक और नेचर, हरियाली, खेत, उफ मजा आ गया दोस्तों, मजा आ गया। मतलब मैं तो आया था सिर्फ एक खेत देखने, यहाँ तो सड़क पार करके दूसरा भी खेत आ गया है, खूब इंजॉय हो रहा है, मस्त लग रहा है। किसे चाहिए दोस्त जब तुम अकेले सोलो ट्रैवल कर सकते हो। तो खैर अपन आ गए हम लोग, मैं आ गया हूँ अपनी फेवरेट जगह पे, जहाँ पे हम लोग रुकेंगे, खाएंगे आलू के पराठे, थोड़े से अचार और ढेर सारे मक्खन के साथ। और खैर मैं पक चुका हूँ यार उन दोनों के व्लॉग देख देख के, क्या बनाते हैं वो लोग, मंकी मैजिक की क्या है, व्हाट इज दिस मैन, क्या ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं बोलने वाला हूँ, भाई साहब थोड़ा हाथ पीछे, तू वहाँ क्यों बैठा अकेले, हम लोग यहाँ बैठे हैं ना,
और तुम दोनों फिर से मेरे बिना जा रहे थे, क्या हो गया भाई? इस तरह पहले साथ में बैठा मारे वो, ये बहुत हो गया तुम लोगों का। तुम लोग फिर से मेरे बिना, मेरे को लग रहा है ऋषिकेश जा रहे थे। क्या बात हो, ये बोला कि तुम काम पे जा रहे हो और हेलो फ्रेंड्स, मेरे को पीछे छोड़ के तुम लोग फिर से ऋषिकेश चले गए। भाई तो साथ रास्ते पे मिल रहे हो तुम मेरे को, तो साथ तो मारे भाई, हम सब साथ आए हैं, क्या हो गया? सही है, ये कब हुआ? सुबह मैंने तेरे को तेरे घर से उठाया, तेरे को याद है? सुबह मैं सोलो जा रहा हूँ, मैंने पूरा रिकॉर्ड किया और ये पूरा एडिट हो गया, पूरा एक ब्लॉग बनेगा। आकाश मैंने इसको चॉकलेट दी थी, तेरे को याद है? मैंने तेरे को चॉकलेट ऑफर करी थी भाई। मेरे को तुम लोग फोन पे कहते हो कि ये फिर से कैंसिल हो गई है ट्रिप और तुम लोग नहीं आ रहे हो मेरे साथ। एक मिनट भाई, मेरे पास वीडियो में प्रूफ है कि मैंने इसको चॉकलेट खिलाई थी, तुम लोग ये देखो। विनायक भाई बोल, बोल रही है खाएगा? खा चुका, चाय ले। ओए मेरी मत खाइयो, गुस्सा मत दिला मेरे को, दूर हो जा। मैंने माइक ऑन कर दिया, देखो अब याद आया, याद आया, हम लोग साथ में चिल करते हैं, हमने ऐसे ऐसे भी किया था, हमने नाचा भी था, गाने भी गाए थे। और विनायक कैसा है भाई? वो अलग बात है, तो बहुत टाइम से दिखा नहीं, बट तू मेरे साथ ही आया यार। क्या हो नहीं गया? यार मैं एक पूरा एक अलग से ब्लॉग बन रहा है मेरा। मेरे को लग रहा है विनायक ना बहुत टाइम से मिसिंग था, तो उसको लग रहा है कि उसको थोड़ी एक्स्ट्रा फुटेज तू ले ले। मगर तू ऐसे, ये क्या, ये क्या मिसिंग? हमने रिसेंट में टेनेट देखी थी। टेनेट का असर तो नहीं है? व्हाट हैपेंस हैपन। तो भाई हम लोग साथ ही आए हैं, हर जगह साथ ही जाते हैं, ऋषिकेश जा रहे हैं साथ में रोड ट्रिप पे, इसको पता नहीं अकेले सोलो की फील आ रही है, मेरे को समझ नहीं आया हुआ क्या। चलो भाई अब आगे तुम्हें जरा ऋषिकेश दिखाता है, गंगा किनारे पहुंचेंगे, मजा आएगा। क्यों भी ना अकेले तो नहीं आया ना? अकेले आया हूँ, मुझे अभी भी याद है भाई। इसे और फुटेज दिखाओ ट्रिप का भाई, मेरा सर फट जाएगा आज के। अब तो मान गए हम साथ आए थे भाई, ये देख तू, ये देख। चलो अब हम ऋषिकेश से तुम्हें अपडेट देंगे। इस ब्लॉग का असली शेर मैं हूँ दीपेंद्र जी। Few moments later, सारे कार्ड पट रही है, धीरे कर ले भोसड़ी के, अरे भोसड़ी के धीरे कर लौड़े। प्लीज कमेंट करके बताओ कि विनायक का ब्लॉग कितना ज्यादा खराब है, जिससे अगली बार ये ब्लॉग ना बोले। गाइस देखो, जिस जिसको पसंद आया डी बैंकोस ब्लॉग, प्लीज कमेंट करना। लड़कियों से ज्यादा वो कट रहा है, कट रहा है, कट रहा है, इसके ब्लॉग में ज्यादा कट रहा है, कट रहा है। मैं चाहता हूँ कि लड़कियों के कमेंट्स आए, लड़कियां डरे नहीं, लड़कियां कमेंट करे ताकि इसको शर्म आए। एक मिनट, क्यों क्यों? अरे वो थोड़ा अच्छा लगता है, मोटिवेशन आती है ना यार। लॉन्डो के कमेंट देख देख के बोर हो गया। अबे भाई लोग हैं अपने सारे। अबे हाँ भाई लोग हैं भाई, समझते हो तुम लोग, पर थोड़ा जरूरतें अलग हैं। मैं बकचोदी मत करो ऐसी वाली, बकचोदी मत करो, उसे अच्छा रहने दे, क्लीन करना चाह रहा हूँ इस चीज को। ये क्लीन ब्लॉग है, तू बोल रहा है लड़कियों को कमेंट करो, ये क्लीन ब्लॉग है। मैं कह रहा हूँ लड़कियों को कमेंट करने के लिए मैं प्रोत्साहित कर रहा हूँ। भाई लॉन्डे बहुत ज्यादा कर रहे हैं ना, बता रहा हूँ लड़कियां भी कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ इक्वालिटी आए। बदतमीज साला, जो जो लड़कियां हमारा ब्लॉग देखती हैं, एक दो तीन जितनी भी, प्लीज कमेंट कर दो, विनायक का दिल रख लो थोड़ा सा। मेरा अभी अभी ब्रेकअप हुआ है। पता है क्या, हम लोग ना, हम लोग ना विनायक को लाना नहीं चाहते थे, हमें विनायक पसंद नहीं है। इसको यहीं छोड़ देंगे। हाँ चल चल चल। बिल्कुल अंधेरा हो चुका है, हमें कुछ नहीं दिख रहा, दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिख रहा। पहाड़ राइट साइड में और खाई लेफ्ट साइड में है, इस चीज़ को हमें दिमाग में रखना पड़ेगा। कोई मार्किंग नहीं रास्ते पे, छोटे छोटे पहाड़ हैं, समझ में आता है क्योंकि ऋषिकेश के पहाड़ हैं, तो ठीक है चलता है। बड़े पहाड़ों में ऐसी हरकतें मत करना, ये ज़्यादा एडवेंचरस हो जाएगा नहीं तो। और अपन ने दोपहर से कुछ नहीं खाया और अब बहुत ज़्यादा भूख लगी है, मैं रात को डबल मील खाऊंगा। पीस आउट। तो गाइस हमारे पीछे बंक्स्ट है और हमने बिल्कुल भी बुकिंग नहीं करी, हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि क्या होने वाला है, हमें रूम मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर हमें मिलेगा तो हम वहीं सोएंगे, अगर नहीं मिलेगा तो पीछे पहाड़ है, मस्त चिल, बिस्तर नाप देंगे भैया, सो जाएंगे। तो गाइस बहुत सारी जद्दोजहद के बाद हमें फाइनली एक रूम मिल ही गया है बंक्स्ट पे, और अब हमें पहाड़ पे सोने की कोई ज़रूरत नहीं है। रूम है 102। आओ मैं तुम्हें अपने कमरे का अच्छा सा टूर देता हूँ। विनायक, विनायक तू देगा टूर, मैं दे दूँ? देखो दोस्तों, ये है आकाश का बेड, ये है मेरा बेड, ये मेरा बेड, बदतमीजी मत कर, ऑडी ऑडी फट, ऑडी ईव,
मेरे को लग रहा है मेरे टकले पे जब तक बाल नहीं आएंगे ना मैं ऑडी जीत नहीं पाऊंगा। कोई बात नहीं, अपन ऊपर से गया, अपन फिट है, ये साले अरे खा जाएंगे। तो सैंडविच के बाद बात करते हैं, ठीक है? तो अब मैं तुम्हें अच्छे से कमरे का टूर देता हूँ और अभी नदी किनारे चलेंगे, गंगा जी को प्रणाम करेंगे और बैठ के बस रिलैक्स करेंगे, फिर करेंगे कल पाड़ी। पाड़ी नहीं, जैसे बोलो वैसे बोलोगा फाड़ी। अबे साले है। हाँ भाई तू करेगा पाड़े, मैंने तेरा व्लॉग तो टेक ओवर कर ही लिया। जिंदगी में कितनी दारू पिया तूने? दोस्तों दारू से पार्टी नहीं होती है, बंदों से होती है। कितना बंदा तेरे पे, तेरे पीछे कितने बंदे अभी? मैं हूँ। मतलब तू मानता तू एक बंदा नहीं, दो तीन के बराबर है। अबे बंगस्टे पे क्या होता है ना, तो मैं बताता हूँ आराम से रख के रखो। हाँ तो बंगस्टे का कल्चर कैसा होता है ना कि थोड़ा सा ऊपर छत पे कॉमन एरिया होता है, टेबल टेनिस का एरिया होता है, तो सब लोग मतलब जिसे तुम जानते भी नहीं हो अब तो मतलब चलिए स्ट्रेंजर्स के साथ तुम्हें पता ही है, पर यू कैन चिल ऊपर छत पे बैठ के। और वहाँ का व्यू बहुत अच्छा है, और पहले ना यहाँ पे ब्रेकफास्ट वगैरह सब फ्री था, अब नहीं है। देख रहे हो हमने कैसे एक एक करके सबने एक एक बार बाइट दी, और ये बहुत होते फ्लो, और ये रैंडम था फ्लो। सब्सक्राइब सब्सक्राइब बदतमीजी कर रहे हो भाई। पप्पी ले लो भाई, क्या हो गया? कर दूं पप्पी, कर दूं, कर दूं। नहीं चल को ये डी वैंको का ब्लॉग है, इसमें कोई सब्सक्राइब की भीख मांगे तो सिर्फ मैं मांगूंगा भाई। पप्पी अप्पी तू कर ही चला जा, क्या ठीक है? मैं कह रहा हूं कि कोई सब्सक्राइब की भीख नहीं मांगे, अगर कोई मांगे तो वो मैं हूं। ओए हम लोग ना, हम लोग जिद करता हूं, चुप। हम लोग ना वो कर रहे हैं, हम लोग मैं और डिवेंको मिलके एक डांस प्रिपेयर करेंगे, और अगर वो डांस हमने अच्छा कर दिया तो हम लोग सब्सक्राइब करोगे। तो भाई मैं और विनायक मिलके एक डांस प्रिपेयर करेंगे, और अगर हमने वो डांस अच्छा करा नहीं और अगर वो अच्छा डांस कर दिया, सिंक में कर दिया, तो तुम्हें सब्सक्राइब करना होगा, दोस्तों को ये वीडियो दिखाना होगा, दुनिया में फैलाना होगा। ठीक है डन भाई, ये तो हमारी चीजें हो रही है, मैं नहीं करता, मैं इन सब के खिलाफ हूं। भाई करो 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 डांस करो करो, वी विल सी यू इन सम टाइम ब्रो, मिलते हैं। तो गाइस अब हम पहुंच चुके हैं ऋषिकेश, और ऋषिकेश की सबसे खास बात ये है कि तुम कुछ करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो तो भी तुम मजा कर रहे हो। मैं अभी पुल के ऊपर खड़ा हूँ, पुल हल्का हल्का झूल रहा है, हवा चल रही है बहुत तेज, और मेरे को आ रहा है पूरा मजा। भाई भाइयों सुनो मेरी बात यार, विनायक को मेरे को कन्विंस करना है कि इसको मेरे साथ डांस करना है। अरे नहीं भाई नहीं, अरे नहीं नहीं, मैं इन्वॉल्व नहीं हो रहा है सब शिट में, ठीक है? होगा, ये होगा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इस एपिसोड में नहीं, मतलब इस वीडियो में नहीं, तो ऋषिकेश के होपफुली एक दो वीडियो और आएंगे, इसमें पक्का करेगा। और जिस दिन प्लीज भाई, जिस दिन प्लीज इसे डांस कर लिया ना, अरे छोड़ पे आग लगा देनी है भाई। गाइस मैं इस सब में नहीं इन्वॉल्व हूँ, मैं अगर कभी डांस करूँगा जिंदगी में तो अपोजिट सेक्स वाले था, ये मेरी प्रेफरेंस रहेगी। अबे तो भाई सेक्स थोड़ी करना है हमें। नहीं 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 मैं डांस भी नहीं, मैं ऐसे नहीं करता भाई, नो नो थैंक्स।